स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बढ़ते कोविड केस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा, ये कैबिनेट में फैसला हुआ है। कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया गया है। 15 मई तक बिहार में संपूर्ण तालाबंदी रहेगी। अब तक समय था, फ्रेम्स था, कौन सी दुकानें खुलेंगी, 6 बजे तक खुलेंगी, लेकिन अब कैबिनेट के बाद बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि 15 तारीख तक बिहार में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आपको अब कई अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं लॉकडाउन में सन्नाटा है तो कहीं लॉकडाउन तोड़ने वालों को सख्त सजा दी जा रही है। जी, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, मुजफ्फरपुर और राजौरी की। ये 6 तस्वीरें बयां करती हैं कि लॉकडाउन में भी लोग ऐसे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उन पर कड़ाई पेश की जा रही है, उन पर पेनाल्टी लगाई जा रही है। क्या हाल है सड़कों का, कितना सन्नाटा फैला हुआ है, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन में आखिर देश का हाल क्या है। देश के 6 प्रमुख जिलों की तस्वीरों के जरिए ये बयां कर रहे हैं स्क्रीन पर। बढ़ते कोरोना केस पर सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में राशन कार्ड पर मिलेगा मुफ्त राशन। जी हां, केजरीवाल 2 महीने का राशन मुफ्त देगी दिल्ली सरकार, ये कहना है केजरीवाल का। साथ ही साथ 2 महीने के राशन के अलावा उन्होंने घोषणा करी है कि ऑटो टैक्सी वालों को भी 5,000 रुपए की मदद दी जाएगी, जैसा कि पिछले लॉकडाउन में, पिछले वेव में जब संपूर्ण लॉकडाउन था तब दिया गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये क्लैरिफाई भी किया है कि आप ये मत सोचिए कि हम 2 महीने का राशन देने जा रहे हैं 72 लाख लोगों को जिनके पास राशन कार्ड है दिल्ली में, ये मत सोचिएगा कि ये लॉकडाउन जो है ये 2 महीने तक चलेगा। दो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। जिस वक्त देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नदारद है, ऐसे वक्त में विदेशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। जी हां, आज अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत से भारत में मदद की नई खेप पहुंची है। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ साथ जरूरी दवाएं भी हैं। लगभग 1 लाख रेमडेसिविर वैक्सीन भी आई है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमेरिका से क्या क्या आया है, ब्रिटेन से भी जहाज आ गया है, कुवैत से भी दवाइयां आई हैं। इसमें दवाइयां हैं, रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। संपूर्ण विश्व एकजुट होकर भारत की मदद कर रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो, आईसीयू बेड्स हो, ऑक्सीजन प्लांट्स हो, साथ ही साथ दवाइयां हो, कोविड के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी अमेरिका सप्लाई कर रहा है, जिस पर रोक लगा दी थी अमेरिका ने वो भी सप्लाई कर रहा है। तो आप कह सकते हैं भारत ने जिस तरह पहली वेव में वर्ल्ड की मदद करी थी, अब विश्व एकजुट होकर भारत के साथ इस मुश्किल दौर में खड़ा हुआ है। देश में लगातार 3rd दिन घटे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में सामने आए हैं 3,57,229 केस। 24 घंटे में 3449 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन आंकड़ा संक्रमित मरीजों का कम हुआ है। देश में 34,47,133 एक्टिव केस है। जी हाँ, आपको पूरा बता रहे हैं आंकड़ा, और आंकड़े के जरिए ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, मरने वालों की संख्या जरूर कम नहीं हुई है, लेकिन जो एक्टिव केस है उसमें थोड़ी सी कमी देखी वाली है। लेकिन बहुत ज्यादा राहत इससे नहीं होगी, क्योंकि साइंस के हिसाब से और जो लोग रिसर्च करते हैं उनके हिसाब से अभी पीक इज येट टू कम, तो उस हिसाब से कुछ संक्रमण दर कम हुआ है, पेशेंट्स कम हुए हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन मौतों का सिलसिला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है और आज का आप कह सकते हैं एक बड़ा फैसला है खासतौर से पत्रकारों के लिए। यूपी में पत्रकारों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगेगी, पत्रकारों और परिवार वालों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, प्राथमिकता के आधार पर पत्रकारों को वैक्सीन लगेगी, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। पत्रकारों के लिए अलग सेंटर बनाने की भी बात कही गई है, यानी जो भी जर्नलिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, लगातार रिपोर्ट्स देते हैं, कहां पर ऑक्सीजन है नहीं है, सरकार के फैसलों के बारे में जनता तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ अस्पतालों का हाल क्या है, मरीजों की क्या मदद हो सकती है, उन सब जर्नलिस्ट और उनकी फैमिली मेंबर्स को फ्री में वैक्सीनेशन होगा, ये योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है। साथ ही साथ एक अलग सेंटर बनाया जाएगा, आज घोषणा हुई है, तो उम्मीद यही करते हैं कि अगले 24 घंटे में आप देखेंगे कि इसका कार्यान्वयन भी है वो भी हो जाएगा। इस मुश्किल दौर में लगातार इंडिया न्यूज अपनी कोविड ओपीडी चला रहा है, जो भी ऐसे लोग हों जिनके मन में कोई शंका हो, अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं, घर में हैं, डॉक्टर से बातचीत नहीं हो पा रही है, वो हमारी ओपीडी में फ्लैश हो रहा है नंबर, लगातार आप उस पर फोन कर सकते हैं। हमारे साथ देश से लेकर विदेश तक के डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल होगा। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर गिरीश त्यागी हैं जो कि सेक्रेटरी हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, वो है, साथ ही साथ डॉक्टर श्रुति मलिक भी हमारे साथ हैं। दोनों ही डॉक्टर, बहुत आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर साहब, पहले शुरुआत आपसे करता हूँ, कल रणदीप गुलेरिया जी को हमने सुना जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा सिटी स्कैन जो एचआर सिटी थोरैक्स हो रहा है उसकी तरफ पब्लिक ना भागे, क्योंकि बहुत ज्यादा बार आप कराते हैं तो उससे कैंसर होने का डर होता है। डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, यही सवाल डॉक्टर श्रुति मलिक से ले लेते हैं, डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर की। रणदीप गुलेरिया जी ने कल ये बात कही कि बहुत ज्यादा एचआर सिटी थोरैक्स की तरफ आप मत भागिए, क्योंकि सिटी कराने से कैंसर के भी प्रोबेबिलिटी बढ़ते हैं और लगभग 400 एक्सरे के बराबर एक सिटी स्कैन होता है। ये बाकायदा उन्होंने समझाया लोगों, क्योंकि ज्यादातर लोग, क्योंकि आरटीपीसीआर के टेस्ट हो नहीं पा रहे थे, लंबी कतारें थी, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो लोग कह रहे थे एक आसान तरीका है कोविड डिटेक्ट करने का कि आप एचआर सिटी करा लीजिए, तो कम से कम स्कैन से पता चल जाएगा कि लंग्स की हालत क्या है। देखिए, गुलेरिया जी ने बहुत सही बात कही है, अगर हम लोग सीटी स्कैन देखिए हर चीज का एक साइड इफेक्ट भी होता है। डॉक्टर साहब, एक मिनट रुकूंगा आपको, एक कॉलर कृष्णकांत जुड़ गए। कृष्णकांत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, सर मैं अभी कोरोना पॉजिटिव हुआ था। हाँ। हेलो, और 23 को मैं रिकवर हो गया हूँ। मैंने 9 मार्च को मैंने पहला डोज लिया था सर, इसका कोरोना कोविशील्ड का। अभी हम दूसरा डोज कब लें सर? ठीक है डॉक्टर श्रुति, आप जवाब दे सकती हैं। पहला डोज लिया था, आप रिकवर हो गए, दूसरा डोज कब ले सकते हैं? देखिए, अगर ये 23 तारीख को रिकवर हुए हैं और इन्होंने अगर कोविशील्ड का लिया था कि कोवैक्सीन का लिया था? कोविशील्ड की डोज ली थी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो अगर इन्होंने कोविशील्ड की डोज ली थी तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि 6 से 8 हफ्ते का गैप हो सकता है पहली और दूसरी डोज के बीच में। अगर इनको 23 तारीख को ये रिकवर हो गए हैं तो हमारी जो गाइडलाइन आईसीएमआर की है वो ये कहती है कि 14 दिन बाद यानी 2 हफ्ते बाद रिकवर होने के ये सेकेंड डोज ले सकते हैं। अगर ये 23 तारीख को रिकवर हो गए हैं, इनका नेगेटिव आया है, तो 23 तारीख से 2 हफ्ते बाद ये आराम से अपनी सेकेंड डोज ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वही समझना चाह रहा था, एचआर सिटी की तरफ जो इतनी पब्लिक भाग रही है क्योंकि टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रही है, लोगों को लगता है एचआर सिटी करा ले तो कम से कम एक बार स्कैन हो जाए तो पता चल जाए कि लंग्स की कंडीशन क्या है। आप क्या मानती है, बिल्कुल गलत है एचआर सिटी नहीं कराना चाहिए, और अगर कराना चाहिए तो कब कराना चाहिए? देखिए, हर चीज का राकेश जी एक इंडिकेशन है। हम लोग कभी भी माइल्ड सिम्टम्स इस समय, देखिए हमारे सामने 4 केसेस आ रहे हैं। एक आते हैं जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते बट फिर भी वो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे आते हैं माइल्ड सिम्टम्स के साथ, तीसरे आते हैं मॉडरेट सिम्टम के साथ, और चौथे आते हैं सिवियर सिम्टम के साथ। इसकी भी एक गाइडलाइन है, अगर कोई माइल्ड सिम्टम है इसका मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 94 से ऊपर है, सैचुरेशन। अगर 94 से नीचे है, 94 से लेकर 90 तक है, तो उसको हम मॉडरेट में ले रहे हैं, और अगर 90 से भी नीचे ऑक्सीजन
ऑक्सीजन लेवल जा रहा है तो हम कहते हैं कि ये जो केस है ये सिवियर डिजीज की तरफ जा सकता है। अगर किसी को, अब सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि आरटीपीसीआर हो रहा है तो हम वो कराएं। एक कॉलर हमारे साथ है, एसके राय साहब। राय साहब सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि मेरा भतीजा और भतीजी यूपी के गाजीपुर जिले में है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के मद्देनजर आईपीएल सस्पेंड हो गया। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी नजर आपको बता रहे हैं, दो और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस वक्त एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दो पॉजिटिव खिलाड़ी निकले थे, अमित मिश्रा और रिद्वान शाह को कोरोना हुआ था, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती संदीप वॉरियर्स भी संक्रमित हो गए थे। और बार बार ये सवाल उठ रहा था कि जब इतना ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, देश खतरे में है, लोग रो रहे हैं, तो क्या ऐसे में आईपीएल की जरूरत है? आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है कोरोना के मद्देनजर। आईपीएल मैचेस अब नहीं होंगे, जितने मैचेस हुए थे वही तक होंगे, अब आईपीएल के मैच आगे नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो और खिलाड़ी पॉजिटिव हो गए हैं। दो खिलाड़ी पहले पॉजिटिव हुए थे जो कि अस्पताल गए थे अपने आप को इलाज कराने के लिए, एक बायोलॉजिकल बैलून भी बनाया गया था। लेकिन सीधे चलते हैं राजीव मिश्रा के साथ जो कि स्पोर्ट्स एडिटर। राजीव, बड़ी खबर इस समय की और लोग बार बार इस बात की डिमांड भी कर रहे थे कि आईपीएल क्यों चलाया जा रहा है जब देश एक तरफ परेशान है, प्लेयर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, उसके बाद आईपीएल की जरूरत क्या है? बिल्कुल, और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से कि इतनी सिक्योर बायो बबल में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा था, लेकिन जैसे रजत कल आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी को स्कैन कराने बाहर जाना पड़ा, हॉस्पिटल वो गए और उसके बाद से लगातार ये कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने लगी खिलाड़ियों के बीच में। और देखिए, बायो बबल कितना भी सिक्योर हो, लेकिन आज के माहौल में जहां पर तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये एयरबॉर्न है, कि ये कैसे फैल रहा है, वहां पे 29 मैच अब तक ज्यादा बिना किसी बाधा के संपन्न हो गए थे, लेकिन जिस तरह से अचानक कल आपको याद होगा आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच कैंसिल हुआ, वहां पर आरसीबी का कोई भी खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं था, लेकिन क्योंकि सामने वाली टीम में 3-4 खिलाड़ी पॉजिटिव थे, इस वजह से आरसीबी ने खेलने से मना कर दिया। विराट उस टीम के कप्तान थे, उन्होंने खेलने से मना किया और उसके बाद से रजत ये चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या आईपीएल को आगे पोस्टपोन किया जाएगा या क्या एक वेन्यू पे मैच कराया जाए। जैसे कि आपको याद होगा यूएई में एक फॉर्मूला निकाला गया था पिछले साल जब कोविड था और उस बीच में बहुत सक्सेसफुली इस टूर्नामेंट को संपन्न कराया गया बिना किसी एक खिलाड़ी के पॉजिटिव आए, आपको याद होगा। यहां पर ट्रैवलिंग एक तो बहुत ज्यादा थी क्योंकि जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन उनके बीच में एक खींचातान थी कि हमको ज्यादा मैचेस मिल जाएं, इस वजह से आप देखें 6 वेन्यू डिसाइड किए गए और इन 6 वेन्यू में बहुत सिक्योर बायो बबल में ट्रैवलिंग हो रही थी, लेकिन ट्रैवलिंग में आप किसी ना किसी से मिलते हैं, किसी ना किसी से आप टच करते हैं और वहां से ये फैला है। अगर आप देखें चेन्नई सुपर किंग जिसको कल मैच खेलना है, उन्होंने साफ खेलने से मना कर दिया, उनका ये कहना है कि 7 दिनों का क्वारंटाइन है। जो बायो बबल का भी एक फॉर्मूला आया था आईपीएल के लिए वो भी कहीं ना कहीं सक्षम नहीं रहा, लगातार खिलाड़ी पॉजिटिव हुए, हम लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए राजीव बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के मद्देनजर आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है और लगातार लोग डिमांड भी कर रहे थे कि एक तरफ देश परेशान है, इतने पॉजिटिव हो रहा है, ऐसी जरूरत क्या है कि इस वक्त आप आईपीएल खिलवाइए। वापस चलते हैं अपने डॉक्टर्स के पैनल की तरफ। डॉक्टर गिरीश त्यागी है हमारे साथ, साथ ही साथ डॉक्टर श्रुति मलिक, दोनों ही डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब बीच में रुकना पड़ा क्योंकि ये खबर आ गई थी आईपीएल की। डॉक्टर गिरीश त्यागी, आपसे समझना चाहूंगा इधर जो 24 घंटे 36 घंटे हैं, डॉक्टर साहब क्या आवाज मिल रही है डॉक्टर गिरीश त्यागी आपको मेरी? थोड़ी सी आवाज मिले पर आ रही है। आ रही डॉक्टर साहब, कुछ केसेस कम हुए हैं चाहे दिल्ली के हों, उत्तर प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के, मुंबई के हों, कुछ केसेस कम हुए, कैसे देखते हैं आप इसको? इतना वॉइस ब्रेक क्योंकि मेरे को पूरा नहीं आया कि वाराणसी यूपी की बात हुई थी और वॉइस ब्रेक है आपकी काफी। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है एक बार पीसीआर कनेक्ट करें, वॉइस में दिक्कत है, एक बार वापस कनेक्ट करिए डॉक्टर त्यागी से। डॉक्टर श्रुति के पास चलते हैं। डॉक्टर श्रुति, केसेस कम हुए हैं, मौत का आंकड़ा नहीं घटा है लेकिन जो केसेस थे वो कम आ रहे हैं, हालांकि जो प्रिडिक्शन है वो 15 तारीख की मानी जा रही है 17 तारीख की पीक टच होने की, लेकिन उसके बाद केसेस कम है, ग्राफ्स क्या कहता है, साइंस क्या कहती है, केसेस कैसे कम हो रहे हैं? देखिए, अगर साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक या दो दिन के डेटा से ऑब्वियसली अगर हम लोग को ये पता चलता है कि केस कम हुए हैं तो हम सब काफी खुश हो जाते हैं, बट तब भी सारे व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि इस समय
हम लोग एक या दो दिन के डेटा को जो है कभी भी ये नहीं मानेंगे कि वेव डिक्लाइन हो रही है या कोविड खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, हो सकता है लोग डर के मारे टेस्टिंग ना करा रहे हों, इस समय थोड़ा सा टेस्टिंग की जो किट्स हैं वो भी कम अवेलेबल है, टेस्ट भी नहीं हो पा रहे, रिसोर्सेज की भी कमी है, थोड़ा सा डिले ऑफ रिपोर्ट्स भी आ रही है, तो हो सकता है ये डेटा जो आज और कल का आया है वो 3-4 दिन पहले जिसकी टेस्टिंग हुई हो उसका आ रहा हो। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं कि हमारी ये वेव जो है कोविड की किस तरीके से जा रही है, बट अभी भी हम लोग का खतरा उतना ही बना हुआ है, लोगों को उतना ही सचेत रहना है और सारे नॉर्म्स को फॉलो करके चलना है। राकेश जी, तो सब पिछला जो सवाल था, क्योंकि एक व्यूअर आ गए थे इसलिए शायद हम उस सवाल को कम्प्लीट नहीं कर पाए थे। HRCT को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग लगातार लाइन लगा रहे हैं, एडवांस पेमेंट्स दे रहे हैं, कितना निगेटिव इम्पैक्ट एक बार HRCT कराने पर बॉडी पर आता है? देखिए, अगर हम HRCT की बात करते हैं तो अगर एक HRCT होता है तो 300 से 400 एक्सरे जो हम एक्सरे करते हैं उसके वेव के बराबर रेडिएशन होती है HRCT में। इसीलिए माइल्ड केसेस में और स्टार्टिंग में लोग क्या कर रहे हैं, मरीज हमारे पास भी अस्पताल में आते हैं और अपनी रिपोर्ट लेकर आते हैं, जो ये बहुत गलत है। हर चीज का एक इंडिकेशन है राकेश जी, अपने मन से ना ही हम लोग स्टेरॉइड ले सकते हैं, ना ही हम अपने मन से घर पे रेमडेसिविर दे सकते हैं और ना ही HRCT करा सकते हैं। हमेशा 6ठे या 7वें दिन ही HRCT जो है वो भी उन केसेस में जिनमें सिम्टम ज्यादा है, जिनमें कॉफिंग ज्यादा है, उसमें देखा जाता है, वरना आप नॉर्मल अगर एक्सरे भी करा ले तो उससे भी आपका डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट या फिजिशियन आपको बता सकता है। एक फायदा जो HR का हो रहा है वो ये है कि वो चेस्ट एक्सरे के मुताबिक काफी सेंसिटिव है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि चेस्ट एक्सरे में ये चीज ना ठीक है। एक दर्शक हमारे साथ हैं, SK राय साहब। SK जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि यूपी में गाजीपुर जिले में मेरे भाई साहब और अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। मेरी भतीजी को 27 अप्रैल से गले में खराश और कफ एंड कोल्ड का शिकायत था और वो पहली तारीख से डॉक्टर से दवा वगैरह ले रही थी। आज मेरा भतीजा और भतीजी दोनों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया तो भतीजी का तो निगेटिव आया है, लेकिन भतीजे का पॉजिटिव आया है और भतीजे में कोई भी लक्षण नहीं है, न खांसी है, न जुकाम है, न बुखार है, कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव आया है। तो उसको कौन सी दवा लेनी चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर श्रुति, एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी होते हैं और जहां तक रैपिड एंटीजन कराया है इसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 50% होती है, तो अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो इस समय हम लोग सिम्टम्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि रिपोर्ट के ऊपर। दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर वो दवाई ले रहे हैं तो कौन सी दवाई ले रहे हैं ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस में हम लोग जो है वो कोई जब तक लक्षण नहीं है कोई दवाई नहीं बताते, बट इनको आइसोलेट होकर घर में बंद कमरे में रहना है, क्योंकि ये आगे इन्फेक्शन फैला सकते हैं। अगर इनमें लक्षण नहीं भी है तो भी आगे अपने घर के और सदस्यों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। उसके अलावा अगर ये चाहे तो ये विटामिन सी की टैबलेट्स ले सकते हैं, मल्टी विटामिन ले सकते हैं और आइवरमेक्टिन जो एंटी पैरासिटिक ड्रग होती है वो दिन में एक बार 3 दिन के लिए ले सकते हैं, जस्ट फॉर प्रिकॉशनरी सेक। बट हम उनको पॉजिटिव इस समय इसलिए लेके चल सकते हैं क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स भी आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वो बाकी घर के सदस्यों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रुति आपका भी, डॉक्टर त्यागी आप, कोशिश करेंगे एक बार जो साउंड प्रॉब्लम है मिले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।